Hello dear friends, I am Dr. Rahul Agarwal. I am head of the department consultant pediatrics at Apollo Cradle Sector 82. आज हम एक important topic के discuss करने वाले हैं colic. बच्चों में किस तरह से present करता है, क्या उसकी treatment options होती हैं और हम किस तरह से हमें इसको manage करना होता है. सबसे पहले colic, ये जो gas बनने वाली शिकायत है, ये एक common problem है जो initial 3 से 4 महीने में बच्चों में होती है. इसका कारण है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो इनिशियल 3 से 4 जनरली कोई अंदर से कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम मतलब कोई बीमारी नहीं होता. ये एक जस्ट एक फेज होता है जो बच्चों में जनरली 3-4 वीक्स के आसपास आना स्टार्ट होता है. इसके अलग अलग कारण इटियोलॉजीज सोची गई हैं, जिसमें इंटेस्टिनल इमेच्योरिटी एक कारण है, बैक्टीरिया का इम्बैलेंस होना एक कारण है. ये एक फेज़ है जो जनरली 3-4 वीक्स पे स्टार्ट होके 3 से 4 महीने तक रह सकता है. इसमें पीक सिम्टम्स जनरली 6-8 वीक्स 10 वीक्स के आसपास आते हैं. सिम्टम्स में बच्चा शाम होते होते रात होते होते परेशान होना स्टार्ट कर देता है, कंटिन्यूस रोता है, बार बार गोदी मांगता है, पूरे टाइम मुंह चलाता रहता है जैसे भूखा है, नीचे जोर सा लगाते रहता है क्रैम्प्स की वजह से. तो ये सब सिम्टम्स आते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो कोलिक में ध्यान रखनी होती है कि बच्चा इसमें फीड लेना नहीं छोड़ता, एक्टिव रहता है, यूरिन आउटपुट उसका 6-8 बार रहता है. अगर इन दोनों में से फीडिंग या यूरिन आउटपुट में से कोई चीज़ कम हो रही है तो फिर वो मोस्ट लाइकली कोलिक नहीं है, वो कोई इन्फेक्शन है जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है. कोलिक क्योंकि कोई बीमारी नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा दवाइयों पे इसमें नहीं जाना चाहिए. ये एक फेज़ है, छोटे बच्चों में आप जितनी दवाई अवॉइड करेंगे उतना बेटर रहता है. तो कोलिक में जनरली हमें होम रेमेडीज़ करनी चाहिए, हमें फीडिंग यूरिन आउटपुट मॉनिटर करते रहना चाहिए. अगर ठीक चल रहा है तो घर पे ही हम होम रेमेडीज़ में क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा पेट का मसाज कर सकते हैं, थोड़ा पैरों को साइकिलिंग मोशन में करके पेट पे दबा सकते हैं, बच्चे को थोड़ा गोदी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, स्पैडलिंग कर सकते हैं जिससे बच्चा थोड़ा सा रिएश्योर रहे, अच्छी तरह से सो पाए. हम बच्चे को घर में ही प्रैम में घुमा सकते हैं. कई पेरेंट्स शाम के टाइम बच्चे को कार में लेके निकल जाते हैं तो बच्चे को घुमाने से, इन सब मसाजेस वगैरह से बच्चे को आराम पड़ता है. हम हींग का पानी नेवल के आसपास लगा सकते हैं. आजकल इसके कमर्शियल रोलॉन्स वगैरह भी आने लग गए हैं जो रिलेटिवली सेफ होते हैं, आप लगा सकते हैं. कृपया अगर अपने बच्चों को कुछ भी बाहर वाली चीज़ें मत दें, जैसे गुट्टी, ग्राइप वाटर, ये सब चीज़ें इनफैक्ट हार्म ज़्यादा कर सकती हैं, फ़ायदा इनका कुछ खास होता नहीं. तो ये वाली चीज़ें हमें अवॉइड करनी होती हैं. अगर हम मेडिसिन की बात करें तो कोलिक में कुछ मेडिसिन आती हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सेमेथकोन वगैरह होता है, बट इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता. इनको SOS यूज़ करें जब आपकी होम रेमेडीज़ फेल हो गई, बच्चा कंटिन्यूस क्राई करे जा रहा है. आजकल कुछ प्रोबायोटिक्स भी आने लग गए हैं जो जिनका एविडेंस है वो काम करते हैं, बट उनको भी आप सब केसेस में अपने डॉक्टर से बिना डिस्कस करे मत स्टार्ट करें. डाइसाइक्लोमीन वगैरह कुछ और मेडिसिन आती हैं जो इनफैक्ट हार्मफुल हैं 6 महीने से छोटे बच्चों में, तो उनको कोलिक में डेफिनेटली अवॉइड करें क्योंकि कोलिक कोई बीमारी नहीं है, हमें जैसे फेज निकालना है. अगर होम रेमेडीज से काम चल जाए, बच्चा फीडिंग ठीक ले रहा है, यूरिन आउटपुट ठीक है, तो आप मान के चलिए कोलिक जनरली 3 से 4 हफ्ते पे स्टार्ट होके 3 से 4 महीने तक रहता है और उसके बाद ही बेटर भी हो जाता है. कुछ आपको डाउट्स रहते हैं आप इस वीडियो के नीचे कमेंट पोस्ट कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और इस पेज को फॉलो करें. थैंक यू.